बडीज, हाउ आर यू? होप सो आप सब मेरे वीडियोस को पसंद कर रहे होगे और आपको पसंद आ रहे होगे और आप शेयर कर रहे होगे, लाइक कर रहे होगे। कुछ भी आपका सजेशन हो बिंदास कमेंट कीजिए मेरे किसी भी वीडियो पे, मैं वो सब कमेंट्स का रिप्लाई देने की कोशिश कर रहा हूँ। और अभी मैं इस यमहा FZ25 के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, पर उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आपके लिए मैं लेकर आने वाला हूँ। हिंदी रिव्यूज़, एग्जॉस्ट नोट्स एंड आपके लिए सब रिव्यूज़ और फर्स्ट इम्प्रेशन, फर्स्ट राइड, सब कुछ आपको मैं वीडियोज़ में देते ही जाऊँगा। तो सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस चैनल पे एक कॉन्टेस्ट चल रहा है जो है अमेज़ॉन का 5000 रुपीज़ का वाउचर। एक लकी सब्सक्राइबर और एक लकी विनर को मिल सकता है 5000 रुपीज़ का अमेज़ॉन कैश वाउचर। तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और चांस ले लीजिए कि होप सो आपको किसी ना किसी को तो अमेज़ॉन वाउचर 5000 रुपीज़ का मिल जाए। तो चलिए बाइक की तरफ बढ़ते हैं। बहुत इंतज़ार के बाद यमहा इंडिया ने आखिरकार अपना बाइक लॉन्च कर दिया है, अमेज़ॉन FZ25 भारत में। तो जिसकी शुरुआती एक शोरूम कीमत है 1.19 लाख रुपए। इस लॉन्च के साथ ही यमहा 200 और 250 सीसी के सेगमेंट की गाड़ियों को कड़ा टक्कर देने के लिए इस बाइक को लॉन्च कर दिया है। इस मौके पर कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड स्टार जॉन अब्राहम भी मौजूद थे। इंजन की बात करें तो नए FZ25 में 249 सीसी का एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक SOHC सिंगल सिलेंडर इंजन है जो 20.9 PS का पिक पावर और 20 Nm का पिक टॉर्क जनरेट करता है। साथ ही बाइक 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ आएगी। इसके बाद कंपनी ने ये भी दावा किया कि इसका जो माइलेज है वो 43 km/L का माइलेज है। 250 cc सेगमेंट होने के बाद भी 243 km/L माइलेज बहुत अच्छा है। डायमेंशन की बात करें तो ये बाइक 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस के साथ आई है, इसलिए इसे उबड़ धाबड़ रास्तों पर भी आसानी से चलाया जा सकता है। सस्पेंशन की बात करें तो नए यमहा FZ25 के फ्रंट में टेलीस्कोपिक फ्रंट डिस्क है और इसके रियर में स्विंग आर्म डिस्क है जो कि ठीक ठाक है एक बजट बाइक के लिए। फीचर्स की बात करें तो बाइक में LED हेडलाइट, LCD इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और एक मड गार्ड जो स्विंग आर्म और व्हील के साथ मूव करेगा। पर दूसरी तरफ इस बाइक में ABS ऑप्शन के तरह कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है और ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट बजट की बात करें तो ये ठीक है बाइक के लिए। कंपटीशन की बात करें तो बाज़ार में उतरने के बाद यमहा ने इस बाइक को लॉन्च कर दिया है, जो कि बहुत सारे बाइक्स ऑलरेडी इंडिया में है 200 cc के सेगमेंट में, जैसे कि KTM ड्यूक 200, RC 200, अपाचे 200 और इसके बाद बहुत सारी मतलब 150 cc सेगमेंट बाइक भी इंडिया में ऑलरेडी है। तो देखते हैं इस बाइक को कितना अच्छा रिस्पांस मिलता है इंडियन कस्टमर्स से और देखते हैं कि यमहा इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है, ये बाइक सक्सेसफुल होता है कि नहीं। कलर की बात करें तो बाइक में 3 कलर ऑप्शन आए हुए हैं। एक फर्स्ट ऑप्शन है बैलिस्टिक ब्लू, दूसरा ऑप्शन है वॉरियर वाइट जो अभी मैं रिव्यू दे रहा हूँ जिसका, तीसरा ऑप्शन है नाइट ब्लैक जो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। कीमत की बात करें तो इसका एक शोरूम दिल्ली में है 1,19,500 और मुंबई में इसका प्राइस जाता है 1,40,000। तो ठीक है एक कंज्यूमर के लिए बजट बाइक 1-250 cc सेगमेंट के लिए। तो यही है रिव्यू इस बाइक के बारे में। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए मेरे वीडियो और लाइक कर दीजिए। कोई सुझाव हो, कमेंट हो, सजेशन हो तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।